नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल ट्रेंडिंग ट्यूब में। दोस्तों मेरा नाम है विश्वा। दोस्तों अगर आप कहीं पे अब्रॉड जाना जाके सेटल होना चाहते हैं, कहीं पे वर्क करना चाहते हैं इंडिया को छोड़ के दूसरा कंट्री में, तो इस वीडियो को आप जरूर देखें। दोस्तों मैं आज कनाडा वर्क परमिट के बारे में बात करूंगा। दोस्तों कनाडा के लिए आप वर्क परमिट कैसे अप्लाई कर सकते हैं, और मैं दोस्तों आज कनाडा के बारे में ही बात करूंगा क्योंकि मैं आपको बताऊंगा व्हाई कनाडा और वाई नॉट अदर कंट्रीज। दोस्तों US या फिर UK हम लोग भी ट्राई कर सकते हैं, लेकिन आज मैं कनाडा के बारे में स्पेसिफिकली बात करूंगा। तो दोस्तों बताऊंगा आपको कि वर्क परमिट क्या है और वर्क परमिट कनाडा का अप्लाई करने के टाइम पे क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन आपको चाहिए होगा और क्या क्या आपको स्टेप्स फॉलो करना पड़ेगा ताकि आपको वर्क परमिट आपको आसानी से मिल सके। दोस्तों तो सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे अभी व्हाट इज़ वर्क परमिट। तो दोस्तों वर्क परमिट एक ऐसा चीज़ है जो कि आपको दूसरा कंट्री में जाके काम करने के लिए आपको लाइसेंस बोलते हैं दोस्तों, दैट इज कॉल्ड लाइसेंस फॉर वर्किंग अब्रॉड। दोस्तों तो इंडिया के लिए अगर आप इंडिया का सिटीजन है, दोस्तों इंडिया का रेसिडेंट है, तो आपको जरूरत नहीं पड़ेगा बिकॉज ऑलरेडी आप सिटीजन है, इंडिया का रेसिडेंट है, तो आप कहीं पर भी जाकर काम कर सकते हो। लेकिन दोस्तों दूसरा कंट्री में अगर आपको जाके काम करना है तो उसके लिए दोस्तों वर्क परमिट आपको अप्लाई करना पड़ेगा काम करने के लिए, रहने के लिए नॉर्मली विजिटिंग के लिए जरूरत नहीं है दोस्तों। अगर इफ़ यू वांट टू वर्क इन दैट कंट्री तो आपको वर्क परमिट जरूरत पड़ेगा दोस्तों। तो ये है वर्क परमिट। तो वर्क परमिट डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज का रहता है दोस्तों। फॉर एग्जाम्पल कैनेडा में आपको दो तरह का बेसिकली वर्क परमिट मिलता है, एक होता है ICT और एक होता है ओपन वर्क परमिट। ICT दोस्तों इंट्रा कंपनी ट्रांसफर जो प्रोग्राम है दोस्तों, इसमें एक कंपनी क्या करता है ऑलरेडी जिसका ब्रांच कनाडा में होगा, फॉर एग्जांपल इंडियन कोई कंपनी जिसका ब्रांच कनाडा में है, वो आपको क्या करेंगे दोस्तों इंट्रा कंपनी ट्रांसफर के प्रोसेस में थ्रू उनका जो इंडियन ब्रांच है लेके दोस्तों कनाडा जो ब्रांच है वहाँ पे आपको ट्रांसफर कर देंगे। तो दैट इज कॉल्ड दोस्तों इंट्रा कंपनी ट्रांसफर। उसके लिए भी बहुत सारे स्टेप्स होता है। तो दोस्तों आज ये जो वीडियो है इसमें बस हम लोग इंट्रा कंपनी ट्रांसफर के लिए बात करेंगे। जैसे कि आप अगर आप कहीं पे एम्प्लॉयड हैं ऑलरेडी, आपका कंपनी का जो ब्रांच कनाडा में है, तो दोस्तों आप इस वीजा को इस ये वाला जो वर्क परमिट आप इसको अप्लाई कर सके फायदा उठा सकते हैं। तो एक और दोस्तों ओपन वर्क परमिट। ओपन वर्क परमिट का मतलब कोई भी दोस्तों एम्प्लॉय मान लीजिए इंडिया में काम कर रहा है दोस्तों, वो क्या कर सकता है कनाडा का एक ओपन वर्क परमिट अप्लाई कर सकता है, जहाँ पे कि आपको आपका रेजिग्नेशन लेटर सबमिट करना पड़ेगा फॉर द करंट एम्प्लॉयर, और दोस्तों आपको वहाँ पे जाकर आपको जॉब ढूंढना पड़ेगा। दैट इज़ प्रेटी टफ दोस्तों, बहुत ही मुश्किल होता है वहाँ पे जाकर जॉब ढूंढना। बेटर है कि आप यहाँ से ही जॉब अपना सेटल करके जाएं दोस्तों कनाडा, ताकि आप वहाँ पे सुकून का जिंदगी जी सकते हैं। दोस्तों तो अभी बात करते हैं हम लोग वाई कनाडा, हम लोग कनाडा चूज क्यों किए दोस्तों। कनाडा चूज इसीलिए किए दोस्तों, जो कि आपको पता है अभी H1B का थोड़ा मुश्किल है दोस्तों। अभी जब से ट्रंप का एडमिनिस्ट्रेशन आया हुआ है दोस्तों, उस टाइम भी H1B वीजा का थोड़ा टफ कंडीशन चल रहा है। दे आर उनका एक सर्टिफिकेट एक्चुअली एक लिमिट ऑफ एक्सपीरियंस सेट कर दिया गया है कि इफ़ यू हैव टू हैव सम एक्सपीरियंस उस लेवल में, थोड़ा ज़्यादा एक्सपीरियंस एक्सपर्टाइज होना चाहिए दोस्तों, तब ओनली आप H1B के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद H1B अप्लाई करने के बाद भी देर आर मेनी प्रोसेस दोस्तों, वहाँ पे आपको लॉटरी वगैरह करना पड़ेगा। लॉटरी होने के बाद भी चांसेस 50% है, फिर मल्टीपल बहुत सारे एप्लीकेंट्स भी रहते हैं। तो सिमिलरली दोस्तों कनाडा के भी आपको सिमिलर करेंसी में, करेंसी तो डिफरेंट है दोस्तों, लेकिन सिमिलर पैकेज में आपको सैलरी मिल जाएगा दोस्तों। इसीलिए क्या कर रहे हैं आजकल पीपल आर ऑप्टिंग फॉर कनाडा दोस्तों, कनाडा वर्क परमिट कनाडा वीजा का। तो दोस्तों दिस इज व्हाई वी आर चूजिंग कनाडा अभी हम इस वीडियो में, कनाडा एंड ICT वर्क परमिट, बिकॉज ये दोस्तों आपके लिए आसान हो जाएगा, जल्दी जाके वहाँ पे सेटल होके फिर आपको जॉब ऑलरेडी रहेगा, ताकि आप जाके वहाँ पे इनकम सोर्स स्टार्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों ICT अप्लाई करने के लिए आपको बहुत सारे स्टेप्स फॉलो करना पड़ेगा। सबसे पहले जाके आपका एम्प्लॉयर को पूछना पड़ेगा कि इफ़ दे हैव ऑफिस इन कनाडा। इसके बाद दोस्तों अगर ऑफिस है तो वहाँ पे उनका कोई क्लाइंट के साथ डायरेक्टली अगर उनका प्रोजेक्ट चल रहा है तो उस टाइम पे आपको इस प्रोजेक्ट में आपको रिक्वायरमेंट होना चाहिए। इसके बाद आपका स्किल सेट भी मैच होना चाहिए कि आपका कौन सा स्किल सेट में आपका वो सेम स्किल सेट का वहाँ पे ओपनिंग है कि नहीं। अगर ओपनिंग है तो आप यहाँ के वहाँ पे डायरेक्टली आपके एम्प्लॉयर से कॉन्टैक्ट करके आपका जो ICT वर्क परमिट है दोस्तों वो अप्लाई कर सकते हैं। तो इसका स्टेप्स है दोस्तों, सबसे पहले आपको कुछ कुछ डॉक्यूमेंट जरूरत होता है। सबसे पहले आप क्या करें, CIC का जो गवर्नमेंट वेबसाइट है दोस्तों, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। वहाँ पे आपको जाके आपको साइन अप करना पड़ेगा, और वहाँ पे मल्टीपल क्वेश्चंस आएंगे दोस्तों। उसका क्वेश्चन का आंसर देने के बाद आपको जो एलिजिबिलिटी होगा वो आपको पहले बताया जाएगा कि इफ़ यू आर एलिजिबल और नॉट, बेस्ड ऑन द क्वेश्चंस दोस्तों आप जो आंसर दिए होंगे उसको लेकर के आपको एलिजिबिलिटी सेट किया जाएगा। अगर कनाडियन गवर्नमेंट का जो वेबसाइट में अगर आप एलिजिबल
दिखाता है दोस्तों। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली साइन अप करके आप अपना जो वर्क परमिट है दोस्तों WP वर्क परमिट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वहां पे आपको मैं बताऊंगा लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चीज चाहिए, आप कैसे उस डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर करें ताकि दोस्तों रिजेक्शन का रेट बहुत कम रहे और अप्रूवल का रेट ज्यादा हो। सबसे पहले जो डॉक्यूमेंट चाहिए होता है वो IMM 1295 है। तो IMM 1295 दोस्तों एक फॉर्म है जो कि आपको PDF फॉर्मेट में मिलेगा, डाउनलोड कर सकते हैं आप ऑनलाइन में। और दोस्तों इस फॉर्म को आपको फिलअप करना पड़ेगा, PDF में ही आपको फिलअप करना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि आपको स्कैन करके प्रिंट करके फिर प्रिंट करके आप फिलअप नहीं करना है, आपको डायरेक्टली PDF फॉर्मेट में आपको फिल करना है। यहाँ पे मैं आपको PDF फॉर्मेट में उसका जो स्क्रीनशॉट है दिखा दे रहा हूँ दोस्तों। तो ऐसे आपको फिल करना पड़ेगा और फिल करने के बाद दोस्तों वहां पे उस फॉर्म को आपको वैलिडेट करना पड़ेगा। वैलिडेट करने के बाद उसका बारकोड जनरेट होगा। वंस इट इज कम्प्लीटली वैलिडेटेड दोस्तों आपको सारे इन्फॉर्मेशन भरना पड़ेगा, आपका इन्फॉर्मेशन, आपका कंपनी का इन्फॉर्मेशन, कितना पैकेज आपको ऑफर किया गया है, कौन सा आपका लोकेशन है, क्लाइंट का लोकेशन कहाँ पे है, कौन सा काम करने वाले हैं, आपका कौन सा रोल है, आप कितना दिन के लिए अप्लाई कर रहे हैं वर्क परमिट, कितना साल के लिए, सारे डिटेल आपको भर के फिर आपको फॉर्म को वैलिडेट करना पड़ेगा। वैलिडेट करने के बाद बारकोड जनरेट होगा, देन दोस्तों उस फॉर्म को आप सेव करके डायरेक्ट आप जाके CIC वाला वेबसाइट में आप सबमिट कर अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों एक जो लेटर जो फॉर्म है वो लेटर फ्रॉम द करेंट एम्प्लॉयर, दोस्तों लेटर फ्रॉम करेंट एम्प्लॉयर मतलब जो आपका जो एम्प्लॉयर है दोस्तों अभी फॉर एग्जांपल जो भी इंडियन एम्प्लॉयर है उसका एक लेटर चाहिए दोस्तों, दैट इज कॉल्ड सपोर्ट लेटर दोस्तों। उस लेटर में लिखा रहेगा कि आपको कंपनी का प्रोफाइल, कंपनी आपका जो रोल आपको ऑफर किया हुआ है, कितना पैकेज का ऑफर किया हुआ है, वो PDF फॉर्मेट में रिटर्न रहेगा दोस्तों कंपनी साइड से। उसको भी आपको कंपनी का डिपार्टमेंट HR डिपार्टमेंट या फिर आपका जो भी प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट होगा वो दे विल आपको वाला फॉर्म इशू करेंगे दोस्तों। उसके बाद दोस्तों आपको एक वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए, पासपोर्ट का पूरा कंप्लीट फ्रंट पेज, बैक पेज और जहां जहां आपको नॉन एम्प्टी पेजेस दोस्तों जहां पे आपको सील लगा होगा, कहीं पे आपको फॉरेन ट्रिप किए तो उसके सारे का आपको प्रिंट लेकर दोस्तों उसको स्कैन करके अपलोड करना पड़ेगा। इसके बाद दोस्तों आपको इनविटेशन लेटर चाहिए, इनविटेशन लेटर मतलब जो वहां पे आपका जो कंपनी का जो बेस है दोस्तों कनाडा में, वहां से एक इनविटेशन लेटर जनरेट होगा कि आपका नाम पे कि वी वांट टू हायर यू फॉर दिस पोजीशन ऑन द बेसिस ऑफ इंट्रा कंपनी ट्रांसफर, मतलब इंट्रा कंपनी ट्रांसफर के बेसिस में हम आपको हायर करना चाहते हैं और इतना सैलरी आपको देना चाहते हैं, हमारा ब्रांच ये है और हम यहाँ पे ऑपरेट करते हैं, फॉर एग्जाम्पल दैट इज कॉल्ड इन्विटेशन लेटर दोस्तों, आपको वहां से आएगा काइंड ऑफ ऑफर लेटर जैसा है। इसके बाद दोस्तों IMM 5713 फॉर्म, 5713 एक है जो कि फैमिली मेंबर का आप रिप्रेजेंटेट करते हैं। फॉर एग्जांपल आप अगर डिपेंडेंट के लिए अप्लाई कर रहे हैं दोस्तों तो डिपेंडेंट के अगर दोनों आप एक साथ अप्लाई कर रहे हैं तो यू विल बी रिप्रेजेंटिंग योर फैमिली मेंबर, सो इसके लिए फॉर्म आपको भरना पड़ेगा 5713, वहां पे आपका फैमिली मेंबर का नाम जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं डिपेंडेंट वीजा उनका नाम और उनका सिग्नेचर और फिर आपका सिग्नेचर ताकि वो ऑथराइज कर रहे हैं आपको कि यू विल बी सबमिटिंग फॉर्म्स ऑन बिहाफ ऑफ देम, दैट इज कॉल्ड 5713 फॉर्म दोस्तों। इसके बाद दोस्तों एक और फॉर्म है जो कि आपको CV आपका रिज्यूमे अपलोड करना पड़ेगा, जो रिज्यूमे के थ्रू आप जो जॉब आपको वहां पे ऑफर किया जा रहा है वो दैट रिज्यूमे हैज टू बी अपलोडेड दोस्तों। वहां पे आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन कौन कौन सा प्रोजेक्ट में आप काम किया, कितना साल का एक्सपीरियंस है आपका और जो रिलेवेंट टेक्नोलॉजी जो कि आप कनाडा में जाकर काम करेंगे दोस्तों, दैट टेक्नोलॉजी शुड बी रिलेवेंट एंड शुड बी सिमिलर टू द टेक्नोलॉजी दैट द रोल दैट यू हैव बीन ऑफर्ड दोस्तों। आपको जो ऑफर किया हुआ है और जो आपको CV रिज्यूमे में लिखा हुआ है दैट शुड बी सिमिलर दोस्तों, आपको वो चीज आना चाहिए, दे विल कंप्लीट वो लोग वेरीफाई करेंगे दोस्तों कि आपका रिज्यूमे एंड आपका जो जॉब ऑफर किया हुआ है दोनों सिमिलर है कि नहीं। अगर आप कोई दूसरा टेक्नोलॉजी में काम किए और दूसरा जॉब के लिए जा रहे हैं दैट उस बेसिस में दोस्तों दे विल नॉट अलाउ दे विल नॉट अप्रूव योर वर्क परमिट, सो इसको ध्यान में रखें दोस्तों। अगर आप शादीशुदा हैं तो आपका मैरिज सर्टिफिकेट दोस्तों ओरिजिनल मैरिज सर्टिफिकेट का आप स्कैन करके अपलोड करेंगे। इसके बाद दोस्तों डिजिटल फोटो, आपको आपका जो डिजिटल फोटो है जो कैमरा से उठाया गया उसको आप स्कैन करके या फिर आपको जो कैमरामैन प्रोवाइड करेगा दोस्तों, वीजा का फोटो उसमें कुछ लिमिटेड आपको 600 DPI में फोटो चाहिए जो कि पूरा क्लियर फोटो होना चाहिए और दोस्तों 31 से 36 मिलीमीटर के अंदर आपका फोटो होना चाहिए, फोटो का जो हेड पोर्शन है दोस्तों वो 31 से लेकर 36 मिलीमीटर के अंदर होना चाहिए, कंप्लीट विड्थ होना चाहिए आपको 35 मिलीमीटर से लेकर 45 मिलीमीटर के आसपास। इसके बाद दोस्तों एविडेंस ऑफ कंपनी रिलेशनशिप इन कनाडा, तो कंपनी का एक प्रोफाइल होना चाहिए कनाडा का, जहाँ पे कनाडा आपके जो एम्प्लॉयर है कनाडा का वहां से एक लेटर जनरेट होगा कि उनका एविडेंस एम्प्लॉयर कनाडा में है और आपको वो लोग हायर कर रहे हैं बल्कि ऑलरेडी एक लेटर कंपनी साइड से प्रोवाइड किया जाएगा आपको, वो आपको अपलोड करना पड़ेगा। और एक दोस्तों प्रूफ ऑफ बिजनेस एस्टैब्लिशमेंट कि आपका जो कंपनी है कनाडा में कितना सक्सेसफुली बिजनेस रन कर रहा है उसका एक सर्टिफिकेट, उसका एक लेटर कंपनी से आपको इश्यू किया जाएगा, उसको भी आपको अपलोड करना पड़ेगा।
इसके बाद दोस्तों प्रूफ ऑफ मेडिकल एग्जामिनेशन, आप जब फॉर्म भरेंगे तो दोस्तों आपका उसमें कितना नंबर्स ऑफ मेडिकल इंस्टीट्यूशन है दोस्तों जहाँ पे कि कनाडा का वीज़ा के लिए जाते हैं, तो वो आप एक बार चेक कर सकते हैं, वेबसाइट में दिया हुआ है दोस्तों कहाँ कहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं, जाके वहाँ पर टेस्ट ले सकते हैं मेडिकल टेस्ट। आप मेडिकल टेस्ट लेने के बाद दोस्तों अगर आपका सारे चीज़ क्लियर है तो आपको एक सर्टिफिकेट इशू किया जाएगा, तो वो सर्टिफिकेट आपको कैनेडियन वेबसाइट में जाकर अपलोड करना पड़ेगा एंड दे विल आपको एक्चुअली ये असेसमेंट है दोस्तों मेडिकल असेसमेंट, मल्टीपल राउंड्स होंगे दोस्तों वहाँ पे भी आपका, और वो आपको कन्फर्म बताएंगे कि आप कन्फर्म तो आपको रिजल्ट तो नहीं बताएंगे लेकिन दे विल आपको एक फॉर्म देंगे, मतलब एक सर्टिफिकेट देंगे कि आप पास कर गए हो एग्जामिनेशन में एंड यू कैन अपलोड दिस फॉर्म टू योर CIC वेबसाइट। दोस्तों वो मेडिकल में आपको पर पर्सन दोस्तों अराउंड 5000 के आसपास लग जाएगा, और अगर आप डिपेंडेंट हैं तो मल्टीप्लाई करते जाइए दोस्तों, वो नॉर्मल चार्ज है दोस्तों मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए। इसके बाद दोस्तों एक फॉर्म है IMM 5645 जो कि फैमिली इन्फॉर्मेशन का है, आपका कंप्लीट फैमिली इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ पर मेंशन करना पड़ेगा, आपका फादर मदर आपका जो स्पाउस है चिल्ड्रन है सबका इन्फॉर्मेशन आपको मेंशन करना पड़ेगा 5645 में। उस पेपर को दोस्तों आप जाके प्रिंट लेके आप वहाँ पे लिख के फिर उसका स्कैन करके साइन करके आपको अपलोड करना पड़ेगा वो फॉर्म दोस्तों। और एक दोस्तों प्रूफ दैट यू मेट द जॉब रिक्वायरमेंट ऑफर्ड फॉर यू इन कनाडा दोस्तों, तो आपको प्रूफ करना पड़ेगा कि आप वो जॉब रिक्वायरमेंट को आप मेट करते हैं, आप उसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो उसके लिए दोस्तों आपका रिज्यूमे और फिर आपका जो कुछ कुछ सर्टिफिकेट्स होंगे दोस्तों एक्सटर्नल सर्टिफिकेशन या इंटरनल सर्टिफिकेशन या फिर कुछ भी सर्टिफिकेशन और कोर्स आप किए हैं उस रिलेटेड जो आपको जॉब ऑफर किया जा रहा है उसको दोस्तों आपको एक PDF फॉर्मेट में सारे को मर्ज करना पड़ेगा और आपको वो वाला फाइल अपलोड करना पड़ेगा दोस्तों। और इस दिन मैं आपको बता दूं दोस्तों सारे जो फॉर्म्स हैं दोस्तों या सारे PDF है दोस्तों उसका मैक्सिमम साइज लिमिट 4 MB है, तो आप दोस्तों उसको मर्ज कर सकते हैं, कंप्रेस भी कर सकते हैं चाहेंगे तो, दैट मेनी मर्ज टूल्स आप Adobe Reader DC में आप ट्राई कर सकते हैं मर्ज करने का, डॉक्यूमेंट आप मर्ज करके सारे डॉक्यूमेंट आप एक साथ सबमिट कर सकते हैं। तो दोस्तों जो वर्क परमिट है उसका जो फीस है दोस्तों कैनेडियन वेबसाइट में ये सारे डॉक्यूमेंट मैंने बता दिए जो कि वर्क परमिट के लिए, डिपेंडेंट के लिए भी दोस्तों सिमिलर काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट चाहिए होगा लेकिन उनका विजिटर कैटेगरी में IMM फॉर्म होगा, और दोस्तों उनका ये सब चीज़ रिज्यूमे CV वगैरह नहीं चाहिए, उनके लिए पासपोर्ट चाहिए, उनका बस एक उनका भी फैमिली इन्फॉर्मेशन 5645 वाला, और दोस्तों बस इतना ही चाहिए डिपेंडेंट के लिए। और मैं अभी फीस का बात कर रहा था, फीस दोस्तों कैनेडियन वेबसाइट में अगर आप जाएंगे तो वर्क परमिट के लिए $255 है और दोस्तों विजिटिंग के लिए $100 का है, तो ईच पर्सन आप जितना भी अकंपनी कर रहे हैं आपका डिपेंडेंट्स उनका इनटू मल्टीप्लाई कर दीजिए 100, तो दोस्तों और 155 फॉर द वर्क परमिट दोस्तों, तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड कर देंगे और उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट करेंगे और आप जो पेमेंट कर देंगे वो 250 जो भी $155 आप पेमेंट कर सकते हैं, ऑनलाइन बैंकिंग में पेमेंट कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड यूज कर सकते हैं दोस्तों, बस इतना ही। इसके बाद जब आप अप्लाई कर देंगे दोस्तों तो आपका कुछ अगर आप एक डिफरेंट कैटेगरी है ग्लोबल स्किल स्ट्रेटेजी बोल के GSS जहाँ पे कि एक्सपर्टाइट प्रोसेसिंग होता है उसका जो टाइमिंग है दोस्तों 2 वीक्स का, 2 वीक्स के अंदर आपको अपडेट मिल जाएगा कि आप उसमें अप्रूव हुआ है कि नहीं आपका वर्क परमिट, और नॉर्मल प्रोसेसिंग में अगर आप जाएंगे दोस्तों तो मिनिमम 28 डेज का टाइम है और एज पर इंडिया का जो रूल है दोस्तों 11 वीक्स का भी टाइम लग सकता है मैक्सिमम, तो ये डिफर करता है दोस्तों प्रोसेसिंग टाइम, उसके लिए आप एक बार जाके कैनेडियन वेबसाइट में चेक कर सकते हैं जो रियल प्रोसेसिंग टाइम कितना है और आप कौन सा कंसुलेट में आप अप्लाई किए हैं उनके हिसाब से भी डिफरेंट होता है दोस्तों, कौन कौन बैंगलोर है, दिल्ली है, चंडीगढ़ है, कहाँ पे लोकेशन के वाइज भी डिफर करता है दोस्तों प्रोसेसिंग टाइम। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बताया कैनेडियन वर्क परमिट के बारे में दोस्तों, और अगर आपको कुछ भी सुझाव है, कुछ भी कमेंट देना चाहते हैं दोस्तों या कुछ भी डाउट है आपको इसके बारे में तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। और एक चीज़ दोस्तों, मैं कोई मतलब कंसल्टेंट नहीं हूँ इमिग्रेशन का या फिर कोई भी कुछ भी नहीं हूँ दोस्तों, मैं नॉर्मल मुझे कुछ जो भी आइडिया है मैं उसको आपके साथ शेयर किया, मे भी कुछ कुछ आइडिया गलत हो सकता है, मे भी कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन रॉन्ग हो सकता है, कुछ कुछ सही हो सकता है दोस्तों, लेकिन आप एक्सपेक्ट ना करें कि मैं एक कंसल्टेंट हूँ, मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन सही दे सकता हूँ। दोस्तों एक और बार बता दूँ कि बहुत सारे कंसल्टेंट इस हमारे कंट्री में हैं जो कि आपको रॉन्ग डायरेक्शन में ले जाएंगे, आपका पैसा लेके चले जाएंगे, फिर आपको वीज़ा नहीं देंगे दोस्तों, वर्क परमिट नहीं देंगे दोस्तों। वर्क परमिट इतना आसानी से नहीं मिलता है कभी भी, वर्क परमिट के लिए आपको स्पेसिफिक नॉलेज सोर्स होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए आपको, जो नॉलेज आपको उनको चाहिए दोस्तों। तो फिर और एक बात दोस्तों, आपके लिए एम्प्लॉयर होना चाहिए, आपका यहाँ पे जो एम्प्लॉयर के साथ आप काम करते हैं उनका वहाँ पे ब्रांच होना चाहिए, तब ओनली आप जा सकते हैं, और नहीं तो वहाँ का कोई एक एम्प्लॉयर आपको स्पॉन्सर करने के लिए रेडी होना चाहिए, आपको कोई भी एम्प्लॉयर वहाँ का स्पॉन्सर का मतलब है दोस्तों जॉब देने के लिए रेडी होना चाहिए, वहाँ का अगर कोई एम्प्लॉयर आपको जॉब देने के लिए रेडी है
उस टाइम पे तब ओनली आप वर्क परमिट अप्लाई कर सकते हो। कंसल्टेंट वाला कुछ नहीं करते हैं दोस्तों, दे विल हेल्प यू इन डॉक्यूमेंटेशन, दैट्स ऑल, और कुछ नहीं करते। जॉब तो देना उनके हाथ में नहीं रहता दोस्तों, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितना नॉलेज है, कितना टेक्नोलॉजिकली स्ट्रांग है आप, कितना आप रेडी है उस जॉब को एक्सेप्ट करने के लिए, उसके ऊपर डिपेंड करता है दोस्तों। तो बेटर नॉट टू गो विद कंसल्टेंसी दोस्तों, बेटर आप खुद ही रिसर्च करें। ये सब मैंने वीडियो बताया, इसमें आप फिर से देख सकते हैं आप जाके दोबारा, और क्या क्या इन्फॉर्मेशन, अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन चाहिए दोस्तों तो मेरे जरूर कॉन्टैक्ट करें मुझे, और मैं अपना मेल आईडी भी दे दिया नीचे दोस्तों। और इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि मुझे भी खुशी लगे कि आप मेरा चैनल को देख रहे हैं, और मुझे भी कुछ उम्मीद बढ़े कि मैं भी मतलब और ज़्यादा वीडियोज़ बना सकूँ दोस्तों इस सब के मामले में। दोस्तों थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।